हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों का एक इवेंट था ड्रोन का, जो इवेंट कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे हमारे सामने आईआईटी पटना के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और इन लोगों का जो है कभी भी ड्रोन इन लोगों ने फ्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ड्रोन को फ्लाई करने वाले हैं। सो हम लोगों ने अचानक से हम लोगों के दिमाग में आया कुछ ऐसा वीडियो बनाते हैं कि जो लोग बिगिनर्स हैं और पहली बार ड्रोन को बनाते हैं तो उन लोगों का ड्रोन फ्लाई करने का क्या एक्सपीरियंस रहता है, मतलब ईजी है ड्रोन फ्लाई करना या डिफिकल्ट है, टफ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है एक्चुअल में फ्लाई करने पर, तो इन सभी का रिव्यू हम लोग लेने वाले हैं। सो अभी हमारे सामने बहुत लोग हैं और सबको थोड़े थोड़े देर तक फ्लाई करेंगे ड्रोन को। हमारे पास एक 330 का ड्रोन है, 330 mm का ड्रोन है और उस ड्रोन में हम लोगों ने यूज किया है DJI NASA M Lite फ्लाइट कंट्रोलर और जिसमें एल्टीट्यूड होल्ड है। सो हम लोग मैनुअली कंट्रोल नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है और मैनुअली में कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप APM यूज़ कर रहे हो, पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी ओपन सोर्स फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो है बैरोमीटर का जो एल्टीट्यूड होल्ड का मोड आता है उस वाले मोड में फ्लाई कर सकते हो। सो अगर वो मोड आपको मिलता है तो क्या रिव्यू रहेगा लोगों से, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो ड्रोन में वहाँ पे छोटा पायलट आपका बैटरी इंस्टॉल कर रहा है और कैसा लग रहा है, मतलब एक्साइटेड हो, कितना एक्साइटेड हो ड्रोन को फ्लाई करने के लिए? इससे पहले आप लोगों ने कभी भी ड्रोन फ्लाई किया है? नहीं। पहली बार होने वाला है? हाँ। तो क्या लगता, हो जाएगा ना फ्लाई आप लोगों से? बिल्कुल। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रोन है ये हम लोग यहीं पर आकर के बिल्ड किए हैं, ठीक है, और इस पर कोई वैसा फ्लाइट ले गया कि हमने बहुत चेक वेक नहीं किया, ठीक है, और यहीं पर बिल्ड किया और अभी यहीं पर फ्लाई करने वाले। सो गाइस, ड्रोन ये है 330 mm का एक नॉर्मल फ्रेम जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ किया है, लेकिन फ्लाइट कंट्रोलर DJI NASA M Lite है और ये है फ्लाई स्काई का FSI-6S रेडियो ट्रांसमीटर और इसी रेडियो ट्रांसमीटर से हम इसे कंट्रोल करने वाले हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि किसी भी ड्रोन में अगर एल्टीट्यूड होल्ड मोड होता है तो उसका जो थ्रॉटल होता है वो सेल्फ सेंटरिंग होता है। सो ये देख सकते हो यहाँ का जो थ्रॉटल है वो सेल्फ सेंटरिंग है क्योंकि 50% में ड्रोन अपना एल्टीट्यूड जो है वो लॉक कर लेता है। सो अभी इस वाले स्टिक को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, नॉर्मली इसी स्टिक से हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, कहाँ गया ट्रेनर, यहाँ पर हम है। सो किसी भी तरह का अगर ड्रोन को फ्लाई करने में प्रॉब्लम्स आता है तो तुरंत रेडियो चेंज कर लेगा और गौसुली उसको कंट्रोल करेगा। सेफ्टी होना चाहिए साथ में, ठीक है। अभी रात का टाइम हो रहा है, रात का टाइम इसलिए क्योंकि इवेंट खत्म होते होते रात हो चुका है और आज ही रात में हमारा ट्रेन भी है तो हमें लौटना भी है। सो बहुत कम टाइम मिलता है ऐसा जिस टाइम इतना सारा बंदा हो, क्योंकि हमेशा वीडियो अलग ही शूट होता है। कोई भी मेरा सब्सक्राइबर या जिसके पास भी ड्रोन है उसको हम सख्त मना करते हैं भाई रात को फ्लाई करने के लिए, तो कोई भी बिल्कुल ना करे फ्लाई और पीपल मतलब कि जहाँ पर लोग हो वहाँ पर बिल्कुल भी ना फ्लाई करे। हम साथ में हैं इनके, इसीलिए हम यहाँ पर फ्लाई करवा रहे हैं इनसे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो रेडियो हम कंट्रोल करेंगे दोबारा से। तो आप आपको खुला ग्राउंड में ही फ्लाई करना है। एक्साइटेड? हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का एक मेन चैनल है गाइस, आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ। अभी आप लोग हसन ब्रदर्स देख रहे हो और हमारा एक मेन चैनल जिसमें हम लोग ड्रोन मेकिंग का पूरा प्रॉपर अलग अलग ड्रोन मेकिंग का वीडियोस बनाते हैं। सो उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाई टेक XYZ। गाइज, अभी हमारे एक सब्सक्राइबर आ चुके हैं सामने, इन्होंने मेरा वीडियो देखा है, बहुत देर बाद पहचान पाए हैं क्योंकि अभी हाल ही में मैं इतना बड़ा बाल रखने लगा हूं, पहले मैं छोटा छोटा बाल रखता था तो ठीक है, थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा बाल में क्या होता है ना, कई बार लोग पहचान जाते हैं। अभी जो करंट वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो तुरंत पहचान जाते हैं, ठीक है। ये सबसे पहली बात कि ये आपका रेडियो ट्रांसमीटर है, हम ड्रोन को आर्म करके एक हाइट पे ले जा करके आपको देंगे। इससे जो स्टिक है ये आपका ड्रोन ऊपर नीचे होगा, इससे आपका नोज़ मुड़ेगा, मतलब कि ड्रोन इस तरीके से आप उसके पीछे खड़े हैं और इसको अगर राइट करते हैं तो आपका ड्रोन इस तरीके से होगा और लेफ्ट करते हैं तो इस तरीके से होगा। तो इस वाले स्टिक को अभी आप लोगों को कंट्रोल नहीं करना, हम एक पोजीशन पे सेट करके देंगे आप लोगों को। आपको सिंपली फ्लाई करना है, इसको आप फॉरवर्ड करेंगे, आपका बैक पे LED लगा हुआ है, ड्रोन आगे की तरफ जाएगा। इसको बैक करेंगे तो ड्रोन पीछे की तरफ आएगा, राइट करेंगे तो ड्रोन राइट के साइड जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट के साइड जाएगा। अब ये है कि इस पे GPS नहीं है तो सारा मैनुअल कंट्रोल है, आप ड्रोन को फ्लाई कर देंगे वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जिस साइड का हवा का मूवमेंट रहेगा, ठीक है। आप सपोज डायरेक्ट ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है तो आपको स्टिक को ऐसे करके हल्का सा आगे करना है, हल्का के वो फिर वहीं पर चला जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको राइट लेफ्ट करना है, राइट कीजिए, फिर उसको बीच पे ला करके रखिए, फिर लेफ्ट कीजिए, उसी तरह ड्रोन जिस साइड जाएगा उसके अपोजिट हल्का हल्का आपको रिस्पांस करना है और कभी भी ड्रोन को अपने से 10 फीट मतलब अंदर नहीं आने देना, आगे ही रखना है और ड्रोन मुड़ना नहीं चाहिए, मतलब इसको कंट्रोल नहीं करना है। अगर ड्रोन मुड़ गया तो फिर आप फॉरवर्ड करोगे तो वो उस साइड जाने लगेगा, ठीक है। इसीलिए तो फर्स्ट टाइम कौन फ्लाई करने वाला है, इस वाले हेडल से पीछे नहीं लेके आना है क्योंकि पीछे जाने के बाद कंट्रोलिंग जो है वो चेंज हो जाता है। ग्रेट, बस
आपको वो वाला स्टिक से सिर्फ उसको राइट लेफ्ट बैलेंस करना है, अगर राइट कीजिए थोड़ा फिर आगे कीजिए तो छोड़िए, जैसे ही पीछे आने वो आता है वैसे ही आपको आगे उसको पकड़ के रखना है। हाँ, आप आगे पकड़ के रखिए, राइट लेफ्ट कीजिए नॉर्मली, और अगर पीछे आने लगता है तो आप आगे भी कीजिए राइट भी कीजिए, आगे कीजिए धीरे धीरे, छोड़ दीजिए। चलिए अब दूसरा किसको फ्लाई करना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे एक बार हमको बैलेंस, रुक जा भाई हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके ठीक है एक चल कर, अब आप देखिए पीछे आएगा तो आपको आगे करना है ड्रोन को, राइट लेफ्ट हल्का हल्का करना है, बिल्कुल हल्का हल्का राइट जाएगा, हाइट लीजिए इसको, छोड़ दिए छोड़ दीजिए, ऑल वेल, हां ठीक है ठीक है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, नहीं सही है सही है, अभी फिलहाल स्टार्ट हो रहा है, एकदम स्लोली करना है, राइट जा रहा है, हल्का 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 करना है बिल्कुल, कभी भी स्टिक को पूरा स्टिक कितना कर रहा है बिल्कुल हल्का हल्का करके रखिए, आगे करके रखिए, नहीं नहीं छोड़ दीजिए उसको, ठीक है उसके बाद वो खुद भी जाएगा, और बैलेंस करना है आपको नॉर्मली एकदम हल्का हल्का, बहुत ज्यादा स्टिक को नहीं करना है, धीरे धीरे करना है आपको, धीरे धीरे करना है बिल्कुल, छोड़ दिया, ज्यादा आगे भी ना चला जाए पेड़ के पास, ठीक है आगे पीछे आ रहा, फिर आगे कीजिए आप, आगे कीजिए आगे कीजिए, हाँ आगे कीजिए, धीरे 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 छोड़ देना है, कुछ नहीं तो छोड़ देना है, रेडियो छोड़ देना है, कुछ समझ में नहीं आएगा रेडियो छोड़ के दे देना है, नेक्स्ट करना ही नहीं है, ठीक है आगे कीजिए उसको, आगे कीजिए थोड़ा आगे, हल्का 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 आगे करना, हल्का हल्का, फिर आप राइट लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट कीजिए लेफ्ट कीजिए, हाँ बस लाइक बहुत सही उड़ाने में, पीछे आएगा ड्रोन आपको आगे करना है, आगे जा पीछे आगे कीजिए, आगे प्रेस करके रखिए, हाँ अब राइट भी कीजिए, राइट भी कीजिए, आगे राइट कीजिए उसको, लेफ्ट कीजिए लेफ्ट कीजिए, बैटरी लो होने लगा, छोड़ दो, बैटरी लो होने लगा भाई, एक ही बैटरी है, लैंड कर दे, ठीक है लीजिए लीजिए आगे लीजिए, आगे कीजिए आगे कीजिए, बैटरी लो है थोड़ा देर फ्लाई करेगा, सारे फर्स्ट ईयर है इधर, पीछे कीजिए अब उसको, छोड़ दीजिए राइट राइट लेफ्ट कीजिए उसको, लेफ्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट, ड्रोन को देखना है सिर्फ, और स्टिक में हाथ होना चाहिए, वो टच कर दे, टच कर टच कर जा, टच राइट उसको राइट दी दी दी, हटिया भाई हटिया, बैटरी लो हो गया, बैटरी लो हो गया भाई, रेड रेड ब्लिंक करने लगा, अब तो अभी आप लोगों ने ड्रोन फ्लाई किया, सब तो फ्लाई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास एक ही बैटरी चार्ज था और बैटरी चार्ज नहीं है, ठीक है वरना सबको देता थोड़ा थोड़ा, और रात का भी समय है, तो अभी आप लोगों ने ड्रोन फ्लाई किया, ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है एम लाइट, और इसमें अभी GPS नहीं लगा हुआ है, सारा मैनुअली था, तो कैसा लगा फ्लाई कर, क्योंकि आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम फ्लाई करें, जाहिर सी बात है जो बहुत बार फ्लाई करेगा वो प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे मेरा है, ठीक है तो कैसा लगा फ्लाई करके, आप लोग इससे ड्रोन बनाते हैं और दो चार दिन प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप लोग बहुत प्रॉपर फ्लाई कर पाओगे या नहीं, कैसा लगा था, मतलब कि ड्रोन क्रैश किससे हुआ था, जो जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग तो प्रोफेशनल है, हम लोग रोजाना ड्रोन फ्लाई करते हैं लगभग, लेकिन ये लोग बिगनर थे तो हम एक ऐसा रिव्यू देना चाह रहे थे कि फर्स्ट टाइम आप ड्रोन बना के फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से फ्लाई करना है वो भी बता रहे थे, और यहाँ जो जितने भी लोग हैं उन्होंने बोला है सब्सक्राइब कर लिया, और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, ड्रोन किससे क्रैश हुआ आपसे, तो ये इसलिए क्रैश हुआ आपसे मैं आपको बता देता, आप थोड़ा घबरा गए थे, जैसे आपका ड्रोन पीछे आ रहा तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा दे दिए थे, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहा था लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो हवा में था, मज़ा आया ना उड़ा के, काफ़ी मज़ा आया सर, और आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया ये भी बता देना कमेंट में, आया, और जो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब चैनल सब्सक्राइब कर लेना।